हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ जिसके बाद जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा वेनसडे के दिन, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो कि 2 जून का वेनसडे के दिन ट्रेडिंग सेशन रहेगा, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला है। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए लाते रहो। अभी तक मार्केट को यहाँ पे क्लोजिंग देने के लिए मतलब अगर कहे तो यहाँ पे 1 आवर का मतलब टाइम फ्रेम बाकी है, तो अगर 2:30 हो रहे अभी तक तो 2:30 के बीच में भी आपको वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता चले पहले कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो अभी देखे फिलहाल के लिए मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिलता और यहाँ पे साइडवेज देखने, लेकिन आज का जो हाई लगा है मार्केट ने 15,600 एंड अगर इस कैंडल का हाई देखे तो 15,659 का हाई लगा रहा है। यहाँ पे अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है, तो 15,550 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेली कैंडलस्टिक पे देखे तो आपके लिए ऊपर की तरफ मैंने लेवल्स निकाल के बोले थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ। जिन लोगों ने मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा तो जाके मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, अभी डेली कैंडलस्टिक पे देखे तो साइडवेज यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। चलिए अभी ऑप्शन चेन डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे मैं निफ्टी लगा था, निफ्टी का 3 जून का सबसे ज्यादा अगर पुट राइटिंग देखे तो कहाँ पे हुई है सबसे ज्यादा पुट राइटिंग, 15,550 और 15,500। तो 15,550 और 15,500 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए वर्क पर ऑप्शन, अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखे तो 15,600 का यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा 15,600 के लिए भी सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। चलिए 15,500 नीचे के सपोर्ट है, 15,600 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी देखे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को सॉरी निफ्टी देखे तो निफ्टी को मैंने 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखे तो 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे देखे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने कल के लिए लेवल निकाला था 15,630, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ उसने 550 मतलब 600 एंड 15,600 एंड 60 का उसने हाई लगाया और अभी तक अभी इसी रेंज में ट्रेड करता है। एक रेंज बाउंड देखने को मिला, कल अगर 530 के नीचे शिफ्ट करता है तो एक अच्छा सा बेरिश ट्रेंड देखने को मिलता है, या अदरवाइज इसके नीचे आता है तो अभी सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अदरवाइज ये वाला जोन है तो यह वाला जोन तो नीचे की तरफ यहाँ पे 15,530 का यहाँ पे सपोर्ट, लेकिन 500 का जो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सेलर्स मतलब पुट राइटर्स यहाँ पे, तो 15,500 सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इसी रेंज में ब्रेक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे मेरे को कल के लिए भी एक अच्छा सा बड़ा मोमेंटम नहीं देखने वाला, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड टू देखने को मिल रहा है। तो अच्छे तरह से इन लेवल के साथ ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेड अवॉइड कीजिए क्योंकि मार्केट में कैसे वीक्स देखे तो वॉलिटिलिटी बहुत कम है, ऑप्शन का प्रीमियम भी बढ़ नहीं रहा, जो ऑप्शन सेलर्स है उनको अच्छा खासा यहाँ पे फायदा हो रहा है। इसलिए अभी डेली कैंडलस्टिक पे आप निफ्टी बाय हाल देखेंगे, निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है जैसे कि देख सकते हैं 35,363 के नीचे की तरफ 35,212 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। इसको ब्रेक करता है तो इमीडिएटली 35,000 के टारगेट आएगा और वहाँ पे 35,000 का लेवल भी एक अच्छा खासा ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से एक सपोर्ट है, तो वहां से देखना पड़ेगा क्या करता है, लेकिन नीचे की तरफ सपोर्ट 35,200 का देखने को मिल रहा है। चलिए अभी ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस दे पे देखे तो यहाँ पे 3 जून का तो नीचे की तरफ अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटिंग देखे तो जैसे मैंने कहा 35,300 का लेवल 35,200 के लेवल अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ऊपर का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस देखे तो 35,500 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, तो इसी रेंज में एक अच्छा खासा मार्केट साइडवेज रह रहा है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड मत करिए। यहाँ पे अगर मेजर लेवल ब्रेक होता है तो भी आपको बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, अदरवाइज यहाँ पे प्रीमियम डीके हो सकता है। चलिए अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा लेता है और यहाँ पे अगर 15 मिनट का चार्ट देखे तो सपोर्ट देख सकते हैं 35,250 का, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो बड़ा नीचे की तरफ ट्रेंड देखने को मिल सकता है जो कि 35,050 के लेवल तक आ सकता है, और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर से ऊपर की तरफ, अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ ये लेवल आ सकते हैं। तो इन लेवल के साथ कल के ट्रेडिंग से ट्रेड कर सके, लेकिन मार्केट इसी रेंज में है तो कोई ट्रेड नहीं। अगर 35,567 के ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर निकलता है तो बाय ट्रेड बनेगा, अदर इस रेंज में यहाँ पे साइडवेज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका प्रीमियम डीके हो सकता है सी और पी का, तो अगर आप ऑप्शन सेलर से तो हेजिंग करके यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग के लिए कल के सेशन में आपको बता दिया इस वीडियो में। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाके मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाके मेरा लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सके। जाके मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया कि मैं सपोर्ट ग्रुप में वहाँ पे कॉल पोस्ट कर दिया, वहाँ के तरह तरह के एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू।